हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कविताज गोल्डन वर्ल्ड। इट्स माय फर्स्ट व्लॉग और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान सा टिप जो आपकी डल स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपकी डल स्किन को ग्लोइंग स्किन में बदल देगा। इसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं। ये है चावल का माड़, जिसको निकालने के लिए जब हम चावल बनाते हैं तो जब चावल आधा पक जाता है उस समय आप चावल का पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाता है, उस पानी को आप 2 से 4 चम्मच निकाल लीजिए, उसे ही चावल का माड़ या चावल का पानी कहते हैं। ठीक है, ये है कच्चा दूध और ये है नींबू। ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपका फेस क्लीन होना बहुत जरूरी है। फेस आप चाहे सादे पानी से क्लीन करें या किसी फेस वॉश से। ठीक है, तो ये प्रोसीजर शुरू करने से पहले मैं जाती हूँ, फटाफट अपना फेस क्लीन करके आती हूँ। मैंने अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है और फिर आप तौलिए से अपनी स्किन को ऐसे ऐसे हल्के हल्के सुखा लेंगे। आपकी स्किन का मॉइस्चराइज होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे ये चावल का माड़। ये 1 चम्मच के करीब अपने फेस पे लेंगे और हाथ से ऐसे करके फेस पर इसका जेंटल मसाज करेंगे। अच्छे से हल्के हाथों से बाहर के कॉस्मेटिक को यूज करने से अच्छा है कि हम अपने घर में रहने वाली चीजों से ही इसका आप 2 मिनट तक अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करें। ठीक है, फिर जब 2 मिनट हो जाए तो आप 1 चम्मच कच्चा दूध इस तरह से हाथ पे लें और ठीक वैसे ही इसको भी अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और वैसे ही मसाज करेंगे 1 या 2 मिनट तक अच्छे से हल्के हाथों से। इस प्रोसीजर को आप अपने हाथों में और पैरों में भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 मिनट तक मैंने अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लिया है। ठीक है, अब आप 2 से 4 बूंद नींबू, जिसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है वो नींबू की जगह शहद का भी यूज़ कर सकता है। खूब अच्छे से आप इसको अप्लाई करिए। चाहे तो आप थोड़ा सा और चावल का माड़ लेके इसको फिर से एक बार मसाज करेंगे। ठीक है, इसको भी आप 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से ऐसे 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 मसाज करते रहेंगे। ठीक है, जब 2 मिनट हो जाए तो उसे आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए यूं ही ऐसे लगा छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं और ये मेरे जो मैंने फेस पे छोड़ रखा था ये भी हल्का हल्का सूख गया है और अब मैं इसे वॉश कर देती हूँ। ठीक है,